नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे कोरोना वायरस के खिलाफ सेना के ऑपरेशन नमस्ते की। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के साथ साथ अब सेना ने भी अपनी मुहिम शुरू कर दी है। सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया है, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सेना जो मुहिम छेड़ेगी उसका नाम ऑपरेशन नमस्ते दिया गया है। इसके लिए खुद शुक्रवार को थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश के सभी 11 लाख सैनिकों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो जंग है कोरोना वायरस से, इसमें दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये एक जंग की तरह ही है और इसीलिए जो ऑपरेशन नमस्ते है इसकी तुलना उन्होंने ऑपरेशन यानी ओ पराक्रम से की, जो कि वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद खुद सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से युद्ध की तैयारी की थी, करीब एक साल तक जो सैनिक थे वो अलर्ट पर रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक उससे ही उन्होंने तुलना की। उन्होंने कहा कि सैनिकों को अभी देश की रखवाली तो करनी ही है, साथ ही साथ देशवासियों को कोरोना वायरस से भी बचाना है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि सैनिक खुद को भी सुरक्षित रखें इस कोरोना वायरस से। इसके लिए ही जो सेना की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज जो चल रहे थे, उन सबको बंद कर दिया गया है। ट्रेनिंग भी अगर कहीं हो रही है तो वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है कि यानी एक दूरी पर ही रहें, सेना के अधिकारी और जवान सब दूरी पर रहें। लेकिन उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि सेना की कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, जैसे टैंक में जो सैनिक मौजूद रहते हैं या तोप पर रहते हैं या LMG पर रहते हैं, LMG लाइट मशीन गन पर, वहाँ पर जो सैनिक की जो टैक्टिकल मूवमेंट होती है बहुत करीब एक साथ रहते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने आप को सुरक्षित रखें कोरोना वायरस से। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस कोरोना वायरस से खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। आपको बता दें कि सेना ने ही सबसे पहले जो चीन के वुहान से जो भारतीय लाए गए थे, जो फंसे हुए थे कोरोना वायरस के चलते, उसके लिए मानेसर में अपना क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। इसके बाद सेना ने जोधपुर में, जैसलमेर में और साथ ही कोलकाता, चेन्नई, इन जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो वहाँ पर भी जो भारतीय हैं जो विदेश से लाए गए हैं उनको रख सके, या फिर साथ ही अपने जितनी भी स्टेशंस हैं वहाँ पर, जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह की जरूरत होगी तो खुद सेना के जो ये हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, ये मदद करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बैठक की थी तीनों सेना प्रमुखों के साथ मिलकर, जिसमें CDS भी थे, जनरल बिपिन रावत। उसमें भी कहा गया था रक्षा मंत्री की तरफ से कि सेना को जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहां मदद करनी होगी। साथ ही जहां पर कोरोना वायरस का असर कम है, जहां पर सेना के मिलिट्री स्टेशंस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको उन इलाकों में भेजा जाएगा देश के जहां पर कोरोना वायरस का ज़्यादा असर पड़ रहा है, ताकि वो अगर जरूरत पड़ती है आने वाले समय में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तो उसकी मदद कर सके। साथ ही सेना ने ये भी किया है, खुद को भी सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने जो तरीका है लॉकडाउन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था उसको समर्थन किया है। उसके लिए ही जो सेना मुख्यालय है राजधानी दिल्ली में, उसमें वॉर रूम को छोड़कर और कम्युनिकेशन सेंटर्स को छोड़कर जितने भी दफ्तर हैं उन सब में कम से कम स्टाफ आता है, यानी कि एक अधिकारी और एक जवान आता है। बाकी सभी अधिकारी और जवान वो अपने घर पर रहकर ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो सेना है उसके अधिकारी और जवान भी कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर देखें चीन की बात करें या इटली की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस का इतना प्रकोप हुआ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस जो महामारी को से लड़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहा और उसके बाद सेना की मदद लेनी पड़ी। इसीलिए सेना, भारतीय सेना भी अपने आप को तैयार कर रही है कि जब भी जरूरत पड़े, अगर यह महामारी फैलती है अगले 10-15 दिन में जैसे कि आशंका जताई जा रही है, तो उसके लिए सेना और सैनिक पूरी तरह से इस ऑपरेशन नमस्ते के तहत तैयार रहें। ये है ABP News, आपको रखे आगे।